अटलांटिक महासागर के 5,00,000 स्क्वायर किलोमीटर का एक हिस्सा को बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। बरमूडा ट्रायंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आकार ट्रायंगल की तरह है। बरमूडा ट्रायंगल लगभग 5,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। बरमूडा ट्रायंगल में आज तक 1,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसकी वजह से इसे डेविल ट्रायंगल यानी कि राक्षस ट्रायंगल भी कहा जाता है। पिछले 100 साल में लगभग 75 हवाई जहाज और 100 से भी ज्यादा छोटे मोटे जहाज इसके अंदर समा चुके हैं। असल में बरमूडा ट्रायंगल अमेरिका के फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमूडा तीनों को जोड़ने वाला एक ट्रायंगल यानी त्रिकोण है। इस जगह से जहाज से गुजरो या फिर प्लेन से, यहाँ कोई नहीं बचता। विज्ञान आज बहुत आगे बढ़ गई है, परंतु ये जगह आज भी अनसुलझी है। बहुत से लोगों का कहना है कि इस जगह बहुत से ऐसे हादसे हुए हैं जो डराने वाली है। 1942 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने कहा था, एक बार जब वे इस जगह से गुजर रहे थे तो उन्हें यह अजीब रोशनी दिखाई दी और बिना कोई हवा के समुद्री लहर दिखाई दी। और सबसे विचित्र बात यह थी कि उनका कंपास अचानक से काम करना बंद कर दिया था और गलत दिशा दिखा रहा था। यह तो बहुत पुरानी बात है, लेकिन आज के जमाने में भी ऐसी बहुत सी घटनाएं घटती है जो हमें आश्चर्य करती है। 5 दिसंबर 1945 में फाइट 19 नामक एक जहाज 14 नेवी एयरमैन के साथ आसमान में उड़ान भरी। लगभग 1.5 घंटे के बाद जब वे बरमूडा ट्रायंगल के करीब से गुजर रहे थे तो उनके साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। फाइट 19 के लीडर ने कंट्रोल टावर की रेडियो के माध्यम से संदेश भेजा कि उन्हें पता नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनका कंपास भी काम करना बंद कर दिया है और अचानक वे प्लेन रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। उस दिन के बाद आज तक फ्लाइट 19 का कहीं कुछ पता नहीं चला। इसी तरह रहस्यमय तरीके से एक और घटना हुई थी USS साइक्लोप्स नामक जहाज के साथ। यह जहाज 1918 में 309 लोगों को लेकर US जा रही थी। बरमूडा ट्रायंगल से गुजरते ही यह जहाज अचानक गायब हो गई। उस जहाज का एक भी टुकड़ा किसी को नहीं मिला। ऐसे ही 1941 में 2 जहाज इसी तरह गायब हो गए। इसी तरह बरमूडा ट्रायंगल के साथ बहुत सारे रहस्यमय हादसाएं जुड़ी हुई है। इस बरमूडा ट्रायंगल को लेकर कुछ इस तरह के अफवाह है कि इस क्षेत्र में एलियन का रिसर्च सेंटर है। एलियनों को हमारे दुनिया के लोगों का इस क्षेत्र में आना पसंद नहीं है, इसलिए इस तरह की घटनाओं को वो अंजाम देते हैं। जितने भी जहाज और प्लेन इस बरमूडा ट्रायंगल में रहस्यमय तरीके से गायब हो गए, आज तक इसका कोई सुराग नहीं मिला। इस क्षेत्र में जहाजों के गायब होने के कारण को लेकर कई रिसर्च और अध्ययन किए गए, लेकिन अभी तक स्पष्ट रूप से कुछ पता नहीं चल पाया। हालांकि जहाजों के गायब होने को लेकर वैज्ञानिकों ने मौसम को इसका जिम्मेदार बताया। बरमूडा ट्रायंगल के आसपास के मौसम पर रिसर्च कर वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि इस ट्रायंगल के ऊपर खतरनाक हवाएं चलती है और इनकी रफ्तार 170 मील प्रति घंटा रहती है, और जब कोई जहाज इस हवा की चपेट में आता है तो अपना संतुलन खो बैठता है, जिसके कारण उनका एक्सीडेंट हो जाता है। रिसर्चरों ने यह भी कहा है कि बरमूडा ट्रायंगल में बेहद भारी चीजों को अपनी ओर खींच लेने की ताकत बादलों की हेक्सागोनल शेप की वजह से आती है। असल में बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर मंडराने वाले बादल हेक्सागोनल शेप में है, और यही हेक्सागोनल शेप वाले बादल एयर बम बन जाते हैं, यानी हवा में बम ब्लास्ट जैसी ताकत पैदा करते हैं। और इनके साथ 170 मील प्रति घंटा रफ्तार वाली हवाएं होती है, और ये बादल और हवाएं आपस में मिलकर जब जहाज से टकराते हैं तो उन्हें खींचकर समुद्र के तल पर ले जाते हैं। तो ये थे बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी कुछ रहस्य। आपका क्या राय है इस बरमूडा ट्रायंगल को लेकर, अपने विचारों को कमेंट्स बॉक्स में जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको हर नए आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे।